व्हाट्सअप गाइज, यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने 7x7 के लास्ट 2 एचेस की। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि फ्लिपिंग एल्गोरिथम की मदद से आप लोगों को ऐसे सिखा दूंगा। फ्लिपिंग एल्गोरिथम सबको ही आता होता है, फिर भी आप लोगों को वीडियो में पता लग जाएगा वो क्या है। इस 7x7 में फ्लिपिंग एल्गोरिथम सबसे पहले समझना पड़ेगा करता क्या है। इन दोनों पीसेस की जगह बदलता है फ्लिप होने के साथ, और इन दोनों पीसेस की जगह बदलता है और सेंटर पीस वहीं रहता है लेकिन फ्लिप हो जाता है। जैसा कि अगर आप लोग देख सकते हो कि अभी रेड फ्रंट पे है, तो जब मैं इसको फ्लिप करूँगा तो ये पीस ऊपर चले जाएगा और रेड राइट साइड पे आ जाएगा। ये दोनों भी आपस में अपनी जगह बदलेंगे और फ्लिप होंगे, और सेंटर पीस भी उसी जगह रहेगा लेकिन फ्लिप हो जाएगा। यानी कि अगर मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊं तो सेंटर पीस ये उधर ही रहेगा लेकिन रेड इधर और ग्रीन इधर आ जाएगा। ये तो थी थ्योरी। बात करते हैं प्रैक्टिकल की। यहाँ पे हम एक एच पीस बनाएंगे और लास्ट वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ ब्लू रेड, क्योंकि उसका एक ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है और एक ये रहा। तो अगर मैं इस पीस को इसके पास ले जाऊँ तो अभी तो ये आप लोग देख सकते हो फ्लिप है। तो अगर मैं एक दफ़ा पहले इसको फ्लिप कर दूं फ्लिपिंग एल्गोरिथम से और अब लेकर जाऊं, क्योंकि फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाया तो जो दो ऊपर पीसेस थे वो नीचे चले गए, और अब अगर मैं इसके साथ लगाऊं तो आप लोग देख सकते हो मेरे 3 पीसेस सॉल्व हैं और ये वाला पीस जो है ये पीछे जा रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊं तो ये पीस नीचे चला जाएगा और ये दोनों पीस यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पीस था वो नीचे चला गया। अब जब मैं स्लाइस पैक करूँगा तो जो जहाँ पीस था वो भी इसके साथ अटैच हो गया। अब मैंने आखिरी पीस अपना ढूंढना है, वो रहा ये इसके सामने। लेकिन हमें इसके सामने नहीं चाहिए, हमें एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के इसको ऊपर भेजना है ताकि जब हम इस स्लाइस को इधर भेज सकें और इस पर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएँ। तो मैंने बताया था ये दोनों जगह बदलते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा, और जब वो यहाँ आ गया तो जब मैंने इसको स्लाइस बैक किया तो वो सॉल्व और एंड वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। तो ये रहा हमारा अगला केस। थोड़ा सा ट्रिकी है बट ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग इस पीस को देखें और इस ब्लॉक को देखें, इसको भी आप लोग इग्नोर मारें क्योंकि ये फ्लिप है। अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ और फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाता हूँ तो ये तीनों पीसेस नीचे चले जाएंगे, और अब जब स्लाइस बैक करता हूँ तो जो वो था वो इसके साथ ठीक से जुड़ गया। अब आप लोग देख सकते हैं आखिरी पीस ग्रीन रेड का उसके सामने है, और हमें उसके सामने नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। तो हम एक दफ़ा इस ग्रीन को फ्लिप करके नीचे भेजेंगे और अब इस जगह को उठा के उसके पास ले जाएंगे और इसको फ्लिप करके ऊपर ले आएंगे। और जब मैं इसको अब स्लाइस बैक करूँगा तो मेरा ये पीस सॉल्व, आखिरी वाला सॉल्व है। बस पैरिटी आ गई है, जो कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। पैरिटी एल्गोरिथम लगाएंगे और वो भी सॉल्व। मैंने सोचा एक और केस आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि ये कुछ यूनिक किस्म का केस है। इस वक्त आप लोग देख सकते हो सब कुछ ही फ्लिप है, ये भी फ्लिप है, ये भी फ्लिप है, ये दोनों एक अलहदा डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें ये दरमियान वाला पीस फ्लिप है। तो मैं इस वक्त सॉल्व करना चाह रहा हूँ ब्लू रेड। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे दरमियान वाला फ्लिप है और बाकी जो 3 पीसेस हैं नीचे वाले 2 और ऊपर वाला वो ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इस दरमियान वाले को फ़्लिप करूँगा इस लेयर में लेकर जाके। दरमियान वाले को 7वीं लेयर में लेकर जाके फ्लिप किया, क्योंकि मैंने बताया दरमियान वाला वहीं रहता है लेकिन फ़्लिप हो जाता है। और जब बैक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये सारे सॉल्व, और आखिरी पीस उसके सामने है। हमें उसके सामने नहीं चाहिए, हमें नीचे चाहिए होता है। फ्लिप करेंगे इस जगह को, यहाँ लेकर जाएंगे उसको फ्लिप करके ऊपर लाएंगे, और बूम, हमारे दोनों सेंटर एजेस, लास्ट 2 एजेस सॉल्व। बस यही था यार, बस यही था लास्ट 2 एजेस 7x7 के। सिर्फ जब तक आप लोगों को फ्लिपिंग एल्गोरिथम को ठीक से नहीं ना आप लोग समझते, तब तक आप लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते। जो ही आपको पता पड़ गया कि फ्लिपिंग एल्गोरिथम कर क्या कह रहा है, इन दोनों को बदल रहा है और इन दोनों को बदल रहा है, आप लोग ऐसे दस्ती सॉल्व कर सकोगे अपने लास्ट 2 एजेस 7x7 के। अच्छा, कभी कभी ऐसा केस देखने को आ सकता है कि भाई दोनों में पैरिटी केस है, तो आप लोग इन दो लेयर्स को इसकी तरफ बढ़ाओ
कुछ इस तरह एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाओ और अपने सेंटर्स को ठीक करो तो दोनों ठीक हो जाएंगे। बहुत सा यूनिक स्टफ़ किया जा सकता है 7x7 के लास्ट टू एजेस के साथ, बट मैं अभी आप लोगों को बहुत एडवांस टेक्निक्स नहीं सिखाना चाह रहा अभी, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो, क्योंकि बिगिनर्स ही ये ट्यूटोरियल देख रहे होंगे जिनको लास्ट टू एजेस में मसला आ रहा है। तो आई थिंक मैं कामयाब रहा लास्ट टू एजेस के ट्यूटोरियल्स बनाने में। अब तक मैंने 4x4, 5x5, 6x6 और 7x7 का भी अब तो अपलोड कर दिया, आप लोग देख रहे हो। तो खैर बहुत बकवास कर ली, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो यार मुझे तो लफ्ज़ भी भूल गए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बने बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। और यार ये जीपम मुझे जहर लगती है 7x7 पे, खैर फिर भी गुड बाय।